डॉक्टरों तथा नर्स के घोर लापरवाही के कारण एक महिला बीच सड़क पर बच्चे को दी जन्म। डिलीवरी के लिए जा रही थी अस्पताल, अस्पताल था बंद। मेराल प्रखंड से मुजम्मिल अंसारी की रिपोर्ट। झारखंड के गढ़वा जिला मेराल थाना क्षेत्र के चटनिया केंद्र स्वास्थ्य में डॉक्टरों तथा नर्स के घोर लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। उक्त विषय के संदर्भ में बताते चले कि ग्राम पचपेड़ी टोला संखड़ी निवासी असलम अंसारी की पत्नी सजबून खातून, जो कि गर्भ अवस्था में उपकेंद्र स्वास्थ्य में पहुंची, परंतु वहां के डॉक्टरों तथा नर्स मौजूद नहीं होने के कारण बीच सड़क पर ही अपने बच्चे को जन्म देने पर मजबूर हो गई, जो कि यह घटना पूरे राज्य को शर्मसार कर देने वाली घटना है। उक्त मामले को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल देखा गया। इसकी सूचना उपकेंद्र स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी तथा सीएससी को दी गई, परंतु वहां भी इसको गंभीरता से नहीं ले रहा। बता दें कि इससे पूर्व भी बहुत से मामले आए, परंतु इस पर अस्पताल के प्रभारी द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता तथा टाल मटोल करके जनता को मूर्ख बनाने का कार्य किया जाता है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने डॉक्टरों तथा नर्स को बर्खास्त करने की मांग की है। अब देखना यह होगा कि उच्च अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। अस्पताल खोलने के लिए अस्पताल खुला रहिए, बस हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल खुला रहता है, कोई बात नहीं, खुला होना चाहिए। आदेश है क्या हॉस्पिटल आके लिखित है कि बंद है? मतलब है कि 24 घंटा फोन करेगा, किसका ड्यूटी है फोन करेगा? हॉस्पिटल क्या कर रहे हैं कि फोन नहीं किया तो फोन कौन करेगा? समाज में आता है कि दे दिए दे दिए करता है कहीं ना कहीं दुकान बताता है। ऐसा नंबर यहाँ रखने से क्या जरूरत है जो चालू नंबर है ना? पहले हफ्ता में 2-3 डिलीवरी होता है, हॉस्पिटल के बाहर होता है, अंदर में 3-4 डिलीवरी होता है अंदर में। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल ग्रीन लाइन न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। रांची ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का ब्रांच गढ़वा शहर नारायणपुर डंडवा में खोला गया है। प्री नर्सरी से क्लास 6 तक नामांकन प्रारंभ है, जहां बच्चों के लिए डिजिटल व एसी क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब एवं बस की सुविधा उपलब्ध है। 9031474750 पर संपर्क करें।